वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हार के बाद अब भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की चुनौती है। इंग्लैंड टूर पर भारत को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से होने वाली है और इससे पहले ही टीम इंडिया के सामने बड़ी परेशानी आ गई है। रिपोर्ट्स हैं कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो सकते हैं। क्रिकबस के मुताबिक पंजाब से आने वाले शुभमन गिल को अज्ञात आंतरिक चोट है। उनकी कंडीशन को देखते हुए अभी ये भी स्पष्ट नहीं हुआ कि 4 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले उनको सर्जरी की जरूरत है या नहीं। दूसरी ओर खबरें हैं कि गिल की जगह स्टैंड बाय अभिमन्यु ईश्वरन को मिल सकती है। गिल की चोट पर बीसीसीआई के ऑफिशियल ने पीटीआई को बताया, एक चांस ये भी हो सकता है कि शुभमन को पूरे टेस्ट दौरे से बाहर किया जा सकता है, भले ही वह अभी 1 महीने दूर हो। हमें पता चला है कि चोट गंभीर है। आपको बता दें कि ऐसा दावा है कि शुभमन गिल को पिंडली में चोट लगी या फिर उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या है। इसे ठीक होने में काफी समय लग सकता है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें ये चोट कब और कैसे लगी। अब ये सवाल भी उठ रहा है कि शुभमन नहीं तो कौन। फिलहाल के लिए वह इंग्लैंड में ही रहेंगे, जहां फिजियो नितिन पटेल और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई उनकी प्रोग्रेस पर नजर रखेंगे। साथ ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, ऐसे में इस बात की संभावना भी है कि वह सीरीज के आखिरी यानी 5वें टेस्ट मैच में वापसी कर लेंगे। इस चोट के साथ शुभमन की हालिया फॉर्म भी चिंता का विषय है। इस साल की शुरुआत में हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे के हीरोज में से एक रहे शुभमन इस टूर के बाद से ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। बीते 4 टेस्ट मैचों से वो अर्धशतक नहीं जड़ पाए हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीम और स्विंग खेलने में भी उनको परेशानी हुई थी। अगर गिल सीरीज से बाहर हो जाते हैं तो ओपनिंग स्लॉट में उनकी जगह केएल राहुल या मयंक अग्रवाल को मिल सकती है, जबकि टीम के पहले ओपनर के रूप में तो रोहित शर्मा रहेंगे ही। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी गरिमा ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।